नसीम शाह के बारे में बताएं। नसीम शाह के बारे में, खानदानी के लिए, खानदानी लड़का है। नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी क्या हो गया, वो गेस्ट भी हंस रही है, वो समझेगी क्रिकेट का शो हो रहा है क्या। आप भाई सही तो कहा है, सही तो कहा है, आपने कहा कैसा लड़का है, तो उसने यही कहना था ना। अच्छा नहीं, मेरा मतलब है कि उसका कोई रिश्ता थोड़ी मांगने आ रहा है। बॉलिंग कहा, नसीम शाह ने कमबैक कैसा पाकिस्तान के लिए। हाँ, पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है कि नसीम शाह आज रिदम में नजर आया। ये दिस इज अ गुड न्यूज, गुड न्यूज वेरी गुड न्यूज। उसके लिए भी एक इंजरी के बाद आया, पहला मैच इतना अच्छा नहीं किया, आज डिफरेंट बॉलर लगा, लगा कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है। सही है। और नसीम शाह के भाई उबैद शाह के बारे में क्या ख्याल है? उबैद शाह तो ये एयरवाइज डिजिटल के हेड है ना, उबैद खान है। सॉरी वो मुझे ये बताया आज के मैच के, आपने मेरे साथ बिल्कुल ही मतलब लानत दे दिया, आगे बढ़ गया जिंदगी। मुझे ये बताया आज के मैच के मैन ऑफ द मैच कौन थे? अभी अनाउंस होगा, मेरा ख्याल तकरीब चल रही होगी अभी। आपको क्या लगता है? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। अब आप मुझे बताएं कि मोहम्मद अली आज के मैच के मैन ऑफ द मैच क्यों है? या मैं हार मान ली, क्योंकि वो वोमेन ऑफ द मैच नहीं हो सकते ना, इसलिए मैन ऑफ द, इसलिए मैन ऑफ। यार ये क्रिकेट क्या कर रहा अच्छा, है? क्रिकेट अकादमी की बात। लेकिन वसीम भाई, मोहम्मद अली ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की है। पहले मैच में भी, इस मैच में 19 रन दिए हैं, 3 आउट किए हैं। सही है। और पहले दो ओवरों में पावर प्ले में और 6 रन दिए हैं और एक विकेट ली है, तो मेरे ख्याल से जबरदस्त बॉलिंग की। अच्छा साइन है मुल्तान के लिए भी, मोहम्मद अली के लिए एक लेबल लगा हुआ था कि रेड बॉल क्रिकेट का बॉलर। मौका मिला तो अच्छा परफॉर्म किया। सब देखते हैं।